तो हेलो गाइज, आज हम लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर दोबारा से इस पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करने वाले हैं। और कलर चेंज करने के बाद आप लोग देख सकते हो यह पुलिस स्टेशन देखने में कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। और यही नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन का और भी बहुत सारे डिफरेंट कलर में चेंज करने वाले हैं। तो आखिरकार क्यों मैं पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ये तो जब आप लोग वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग अपने गेम के अंदर इस पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करने वाले हैं, तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी मैंने पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करके RGB किया है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद जाकर उस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अब बात रही पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करने की, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पुलिस वालों से परमिशन लेना होगा और उसके बाद हमें पेंट वगैरह भी लाना होगा, तो हम लोग पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कर पाएंगे। तो फिर ओके दोस्तों, यहाँ से मैंने अपनी बाइक को ले लिया। अब हम लोग डायरेक्टली चलने वाले हैं पुलिस स्टेशन, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या पुलिस वाले हमको परमिशन देंगे पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करने के लिए, ये तो जब हम लोग उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ, चलो जल्दी से बात करते हैं। अरे हवलदार सर, क्या हाल चाल है आपके, आप तो कुछ बात ही नहीं करते। अरे छोड़ो दोस्तों, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग अंदर सर से बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर, मैं आपके लिए बहुत ही मस्त प्लान लेकर आया हूँ जिसमें आप चाहे तो पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कर सकते हो, अभी बहुत ही कम पैसों में। आपका पुलिस स्टेशन हमेशा यही रूखा सूखा कलर में रहता है, मेरे को देखने में अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मैं आपके पास ये ऑफर लेकर आया हूँ। तो फिर क्या आप रेडी हो मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए? अरे मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कराऊँ। अगर हमें सरकार देगी तब हम लोग इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराकर कलर वगैरह चेंज करा सकते हैं, बट अभी के लिए मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। और तुम अपना ऑफर लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो, मेरे को और भी काम है। अरे सर, मैं आपको बहुत ही कम पैसे में काम करके दूंगा, और सोचो अगर आप लोग कलर चेंज करा दोगे तो आपका पूरा सिटी में नाम हो जाएगा। अच्छा तो अगर ऐसी बात है तब तुम पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कर दो, मैं पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ, बट हाँ थोड़ा कम पैसों में करना। ओके दोस्तों, तो अब आप लोगों ने देखा मैंने किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके सर को मना लिया है पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करने के लिए। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग आखिरकार पेंट कहाँ से लाएंगे, और पेंट लाने में तो काफी ज्यादा पैसा भी लगने वाला है। तो इसके लिए मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ, जैसे ही गैलरी वाले सेक्शन पे जाता हूँ तो लिटरली मैं, भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे को एक येलो कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि घुमावदार वाले रैंप के सामने वाले रैंप पर रखा है। अगर मैं इस बॉक्स को ले आऊँ तब तो फिर मेरा काम बन जाएगा। तो फिर चलो जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक को ले लेता हूँ और इसे लेकर डायरेक्ट ही निकल पड़ता हूँ चैलेंज वाले एरिया में। हाँ भाई, आप लोग उसे चाहे चैलेंज वाला एरिया बोलो या फिर रैंप वाला, टेंशन की कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जैसे ही हम लोग उस येलो वाले बॉक्स को ढूंढेंगे तो उसके अंदर हमें येलो पेंट देखने को मिलेगा, और हम लोग उसी पेंट से पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कर देंगे, इससे हमारा पैसा भी बच जाएगा। मेरे को बस थोड़ा सा स्टंट ही तो करना होगा। तो ऑलराइट, अब आप लोग देख सकते हो फाइनली मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा और आगे चलना होगा। तो ये रहा सामने लोकेशन, चलो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि आखिर मेरे को कहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ से मैं स्नाइपर को ले लेता हूँ, जो लास्ट में आपको एंडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, मेरे को उसी रैंप तक जाना है। अरे गाइस, ये वाला जो चैलेंज है देखने में तो काफी ज्यादा इजी लग रहा है, मैं इसे यूं ही कंप्लीट कर दूंगा। तो फिर चलो हम लोग जल्दी से कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो फिर यहाँ से मैं अपनी बाइक को लेकर आगे बढ़ चुका हूँ, मेरे को जंप करना होगा। ओके ब्रेक लगा लगा, ओके भाई ब्रेक भी लग चुका है, यहाँ से भी मेरे को जंप करना है, बस लैंडिंग हो जाए। ऑलराइट दोस्तों, लैंडिंग होने वाली। अरे भाई मैं नीचे आ गया। अरे मैंने सोचा था कि यह वाला चैलेंज काफी ज्यादा इजी होगा, बट यह देखने में तो इजी लग रहा है, करने में उतना ही ज्यादा हार्ड है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग एक और बार ट्राई करते हैं। ओके, तो एक बार और मैं दोबारा से आ चुका हूँ, इस बार शायद मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके गाइस, जब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा जंप लगाना होगा, बस परफेक्ट जंप हो जाए। अरे भाई लैंड हो जा, लैंड हो जा। अरे भाई मैं दोबारा से नीचे आ गया। ओके, तो ये लास्ट ट्राई है, इस बार मैं अपनी बाइक को काफी ज्यादा तेज स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बड़ी इजीली मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पा रहा हूँ। एंड बेट, यहाँ पर मैंने दो कंटेनर को एक ही साथ क्रॉस कर दिया है, शायद से मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट कर ले जाऊँ। सामने एक और छोटा सा रैंप है, यहाँ से भी मेरे को जंप लगाना होगा। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैंने जंप लगा दिया, बस सामने लैंडिंग होनी चाहिए। अरे भाई स्पेस तो काफी ज्यादा लग रहा है, आई होप मैं लैंडिंग कर जाऊँ। ओके भाई, मैंने परफेक्टली तरीके से लैंडिंग कर ली है। ऑलराइट दोस्तों, तो सामने आप लोग देख सकते हैं वो रखा हुआ है येलो बॉक्स, तो मेरे को इसी को ढूंढना था। तो फिर चलो जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर मैं यहाँ से सोच रहा हूँ चलो अपने बाइक को नीचे ही जंप करा देते हैं। अरे भाई परफेक्ट जंपिंग हो जाए। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ, अब मेरे को जल्दी से चलना है पुलिस स्टेशन। तो फिर चलो मैं अपनी बाइक को काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड में ड्राइव करके चलता हूँ पुलिस स्टेशन, लेट्स गो। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि यह वाला जो चैलेंज
था, देखने में काफी ज्यादा इजी लग रहा था बट यह उतना ही हार्ड था। बट आई होप मैंने किसी तरीके से इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया और इस येलो बॉक्स को भी ले लिया है। तो चलो जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हो फाइनली मैं पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ। तो मैं अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा कर देता हूँ और अंदर चलकर चलो सर से बात करते हैं कि मैं पेंट लेकर आया हूँ। हेलो सर, तो मैं यहाँ पर पेंट लेकर आ गया हूँ, अब आप कहें तो मैं पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कर दूँ। अरे जल्दी से कलर चेंज कर, मेरे से क्या पूछ रहा, मैंने पेमेंट भी पूरा कर दिया है। अरे सर, आप पुलिस स्टेशन से बाहर जाते तो अच्छा होता, वरना आपको पेंट लग जाएगा। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, चलो सभी लोग बाहर चलो। ओके, तो मैं पेंट लेकर आ चुका हूँ, अब चलो जल्दी से मैं इसे पेंट कर देता हूँ। एंड अब आप लोग देख सकते हो फाइनली यहाँ पर हमारा पुलिस स्टेशन येलो कलर के अंदर पेंट हो चुका है और यह देखने में कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। चलो मैं आप लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर और रिसेप्शन को भी अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो कलर चेंज करने के बाद कुछ अलग ही वाइब आ रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। अरे मूर्ख, ये कौन सा कलर कर दिया येलो कलर, तो सर को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। तेरे को जल्दी से पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करना होगा, वरना तू जेल जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहना। अरे भाई, ये गूंगा तो अभी तक बोल ही नहीं रहा था और बोला तो ये बोला कि सर को यह वाला कलर पसंद ही नहीं आएगा, मेरे को अब जल्दी से इसका कलर चेंज करना होगा। अरे दोस्तों, अब मैं क्या करूँ, चलो जल्दी से अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना कहीं सर आ गए तो मेरे को अभी जेल जाना होगा। तो मैं अपनी बाइक को लेकर ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी रेंडम से मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है। तो फिर इसके बाद जैसे ही मैं अपना यहाँ पर मोबाइल निकालता हूँ और देखता हूँ, तो ये क्या भाई, यहाँ पर मेरे को एक और कलर बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है। अरे इसके ऊपर पहुंचना इतना भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला, बट कोई बात नहीं, मेरे को जल्दी से इस बॉक्स को ढूंढ कर लाना होगा। तो फिर क्या, यहाँ पर जल्दी से मैं अपनी बाइक को ले लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ उस वाली लोकेशन की तरफ, लेट्स गो। और गाइस, जो वाला लोकेशन है जहाँ पर हम लोग पिछली बार गए थे, बिल्कुल उसी जगह पर है, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले मैं बाइक को खड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आखिरकार हमें कौन सी बिल्डिंग के ऊपर जाना है। तो वहाँ पर सामने दूर जो आपको कटी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मेरे को बिल्कुल इसी लोकेशन पे जाना, वहीं पर मेरे को वो वाला बॉक्स देखने को मिलेगा और ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं होने वाला है। तो ऑलराइट दोस्तों, यहाँ से मैंने अपनी बाइक को ले लिया, तो चलो जल्दी से हम लोग इस वाले चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बिल्डिंग के ऊपर जा पाएंगे। ओके, तो मेरे को यही वाला चैलेंज कम्प्लीट करते हुए आगे जाना होगा, तभी मैं उसके ऊपर पहुंच जाऊंगा। ओके, मैंने जंप कर दिया, बस लैंडिंग हो जानी चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर मैंने परफेक्ट लैंडिंग भी कर लिया है और आप लोगों ने देखा होगा मैंने इस मिशन को कई बार पहले भी कंप्लीट करके रखा है, तो इस वजह से यह इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। बस आप लोग देखते जाओ मैं कितने मस्त तरीके से जल्दी जल्दी इस वाले चैलेंज को कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो फाइनली यहाँ पर मैं बिल्डिंग के छत के ऊपर आ चुका हूँ। ओके, तो अब मेरे को इस बिल्डिंग से जो नीचे रैंप गया है उस पे जाना है। ओके दोस्तों, चलो मैं नीचे चलता हूँ। अरे भाई, अभी तो मैं नीचे गया था, अब यहाँ से मेरे को काफी ज्यादा संभाल संभाल कर नीचे चलना होगा। जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के पास पहुंचने वाला हूँगा, तभी मेरे को इस रैंप से नीचे जंप करना होगा। आई होप इस वाले चैलेंज को मैं एक ही बार में कंप्लीट कर दूं। आप लोग देख सकते हो मैं बिल्डिंग के पास पहुंचने ही वाला हूँ। ओके, मैं बिल्डिंग के पास आ चुका हूँ, रैंप से नीचे जंप लगा दिया है एंड फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ और सामने ही रखा हुआ है वो वाला बॉक्स। तो चलो जल्दी से हम लोग इसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैंने उस बॉक्स को ले लिया है, तो चलो जल्दी से अब हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस स्टेशन का कलर चेंज कर देते हैं, कहीं सर तो नहीं आ गए। तो जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पर पहुंचता हूँ, तो ये क्या हुआ, इन्होंने तो पुलिस स्टेशन का कलर दोबारा से चेंज कर दिया। अरे चलो सर से बात करते हैं। अरे सर, मैं दोबारा से कलर लेकर आ चुका हूँ, इस बार मैं आपका फेवरेट कलर लेकर आया हूँ, तो जल्दी से मैं पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करता हूँ। अरे पिछली बार तूने येलो कलर कर दिया था जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने पैसा खर्च करके दोबारा से इसको इस कलर कराया है, तो इस बार ध्यान रखना। ओके सर, तो इस बार मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा और अब आप लोग दोबारा से पुलिस स्टेशन से बाहर जाओ। अरे तू भी पता नहीं कैसा बंदा है, बार बार हम लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देता है, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बार याद रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तू जेल ही जाएगा। ओके, तो मैंने सर को पुलिस स्टेशन से बाहर भेज दिया, चलो जल्दी से कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन का कलर रेड करने वाला हूँ एंड फिर इसके बाद मैं एक और कलर लेकर आया हूँ जो कि है ग्रीन। मैं पुलिस स्टेशन का कलर ग्रीन भी करने वाला हूँ, जो भी कलर सर को पसंद आएगा मैं उसी कलर में पुलिस स्टेशन को छोड़ दूंगा। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पुलिस स्टेशन का कलर रेड कर दिया है, लिटरली मैं आप लोग देख सकते हो रेड में यह पुलिस स्टेशन देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। आप लोग अंदर के रिसेप्शन एरिया को देख सकते हो, कलर चेंज करने के बाद यह अलग ही वाइब दे रहा है। तो आप लोगों को रेड कलर कैसा लगा, चलो मैं इसका कलर दूसरे कलर में भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करके कर दिया है ग्रीन और भाई ग्रीन में तो यह और भी ज्यादा मस्त लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को पुलिस स्टेशन का कलर किस कलर में सबसे ज्यादा पसंद आया मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को यह वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो
को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर ओके भाई लोग, मिलते हैं आपसे किसी और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।